आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। NCDEX के वायदा बाजार में सोयाबीन की कीमतों में फिर से तेजी बनने के बाद ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली देखने को मिली है। वायदा में सोयाबीन 6800 का लेवल दिखाने के बाद 6300 तक नीचे जाती दिखाई दी है। सोयाबीन में ऐसे बहुत सारे कारक हैं जिससे सोयाबीन की कीमतों में ये उठापटक देखने को मिली है। सोयाबीन की आवकों के लिए नवंबर और दिसंबर सबसे बढ़िया माने जाते हैं। इन महीनों में मंडियों में सोयाबीन की आवकें काफ़ी अच्छी देखने को मिलती हैं, लेकिन इस बार ऐसा होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। मंडियों में सोयाबीन की आवकें काफ़ी कम देखने को मिल रही हैं। बात करें अगर वायदा बाजार की, तो वायदा बाजार में हमने सोयाबीन की कीमतों को 5100 से ऊपर की ओर तेजी से घूमते हुए देखा है। क्या आपके घर पे नहीं है सामान और आने को है मेहमान, तो किस बात की है टेंशन जब बिग ब्लिस है अपने पास। सरकार द्वारा पोल्ट्री की सोया DOC की आयात अवधि बढ़ाने की मांग नहीं मानने से भी सोयाबीन की कीमतों को सपोर्ट मिला है, चाहे वायदा हो या फिर हाजिर। सोयाबीन की कीमतें दोनों ही बाजारों में तेज हुई हैं। बाजार के जानकार केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया के मुताबिक उन्हें सोयाबीन की कीमतें 6000 से ज्यादा ऊपर जाने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जिस तरह सोयाबीन में तेजी बनी है और उससे उन्हें यही लगता है कि सोयाबीन की कीमतों में ये तेजी आगे भी जारी रह सकती है। अजय केडिया के मुताबिक सोयाबीन की पोल्ट्री इंडस्ट्री से लगातार मांग बनी रह सकती है। सरकार द्वारा सोया DOC आयात अवधि नहीं बढ़ाने से भी सोयाबीन की कीमतों को सपोर्ट मिलता रहेगा। अजय केडिया के अनुसार सोयाबीन में अभी कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है और कीमतें नीचे में 5900 से लेकर 6000 तक का स्तर दिखा सकती हैं, लेकिन सोयाबीन में निचले स्तरों से तेजी भी बनेगी। अजय केडिया का कहना है कि सोयाबीन में 7000 के स्तर के लिए निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है और जनवरी 2022 तक सोयाबीन में 7000 के स्तर वायदा बाजार में हासिल किए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लिस देता है खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।